नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक मोटे तले की कढ़ाई में घी डालेंगे। हमने करीब 3 बड़े चम्मच घी ही डाले हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी बेसन डाल रहे हैं। हमने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया था। हम बेसन को मीडियम फ्लेम में कलर चेंज होने तक भूनेंगे। हम इसमें 1 और चम्मच घी डाल रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे हमें चलाते रहना है, वरना ये जल जाएगा और इसका स्वाद खराब हो सकता है। अब हमारा बेसन भून चुका है, इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पानी का छींटा मारेंगे, इससे लड्डू दानेदार बनेगा। पानी डालने से इसमें बबल्स आने लगते हैं। हमें इसे अच्छे से मिलाना है। अब हम इसे गैस से उतार के थोड़ा ठंडा करेंगे। बेसन थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें पीसी हुई चीनी या फिर चीनी का बूरा डालेंगे। हम इसमें 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने 1 कटोरी बेसन लिया था। हम चीनी को अच्छे से मिला ले रहे हैं। अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। हम इसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर गोल कर रहे हैं। आप लड्डू का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे। अब हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। हमने इसे कटे हुए बादाम पिस्ता से गार्निश किया है। अब बेसन के लड्डू तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।